आज हम आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। यानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ, और कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है उससे 7 मील दूर मुगलसराय है, वहां पर हुआ था। और इनके पिता एक स्कूल के शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद और क्या करते थे, तो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, इसीलिए उन्हें मुंशी जी कहते थे। पहले जो शिक्षक होते थे लोग उन्हें मुंशी जी कहा करते थे, तो इसीलिए इनके पिताजी को लोग मुंशी जी कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी, और इसके बाद में इन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली। लाल बहादुर की माँ का नाम राम दुलारी था। यानी पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी था। सन 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री लालिता से हुआ था। यानी सन 1928 में लाल बहादुर का विवाह ललिता से हुआ, और किसकी पुत्री थी ये, गणेश प्रसाद की। ललिता शास्त्री से उन्हें 6 संतानें हुई। ललिता शास्त्री जो थी यानी इनकी 6 संतानें हुई, 2 पुत्रियां जिनके नाम कुसुम और सुमन, और ऐसे ही 4 पुत्र हुए। पुत्रों में हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। हम सभी लोग जानते हैं कि घर में जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें नन्हे या ननकऊ लोग कहा करते हैं, तो ये सबसे छोटे थे इसलिए प्यार से लोग इन्हें नन्हे कहते थे। तो जब नन्हे 18 महीने के हुए तब दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया। यानी जब लाल बहादुर शास्त्री जी 18 महीने के हुए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। यानी कि जब इनके पिताजी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो इनकी माँ ने इनको लेकर के अपने मायके या हजारी लाल के घर मिर्जापुर पहुँच गईं। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे, और कुछ समय बाद इनके नाना की भी मृत्यु हो गई। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत सहयोग हुआ। ननिहाल में रहते हुए ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया, क्योंकि इनके पिताजी श्रीवास्तव थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही काशी विद्यापीठ में उपाधि मिली इनको शास्त्री की, तो इन्होंने जाति सूचक जो श्रीवास्तव लगा हुआ था उसको हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। यानी लोग शास्त्री के नाम से ही इनको जानने लगे। बाद के दिनों में मरो नहीं मारो का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जिसने एक क्रांति को पूरे देश में प्रचंड किया। उनका दिया हुआ एक और नारा है जय जवान जय किसान। तो पहला नारा कौन सा हुआ, मरो नहीं मारो, और दूसरा नारा कौन सा हुआ, जय जवान जय किसान। ये दो नारे किसके थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के। इनके नारे आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के एक कार्यकर्ता लाल बहादुर शास्त्री थोड़े समय के लिए जेल भी गए। तो लगभग 1921 के आसपास ये जेल भी गए थे, और किस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो नेहरू जी के निधन के उपरांत इन्होंने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की बागडोर संभाली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 18 महीने के कार्यकाल में इन्होंने देश को एक कुशल व स्वच्छ नेतृत्व प्रदान किया। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि को समाप्त करने के लिए इन्होंने कठोर कदम उठाए। इनके कार्यकाल के दौरान सन 1965 ईस्वी को
पाकिस्तान ने भारत पर अघोषित युद्ध थोप दिया था, बिना कोई घोषणा के युद्ध कर दिया। शास्त्री जी ने बड़ी ही दृढ़ इच्छा शक्ति से देश को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने सेना को दुश्मन से निपटने के लिए कोई भी उचित निर्णय लेने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। आपने नेता का पूर्ण समर्थन पाकर सैनिकों ने दुश्मन को करारी मात दी, यानी अपने नेता की जब पूर्ण समर्थन इनको प्राप्त हो गया सेनानियों को, तो उन्होंने दुश्मन को करारी मात दी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे ये, और 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर इनका कार्यकाल अद्वितीय रहा, बहुत अच्छा कार्य किया। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। यानी 1921 में ये असहयोग आंदोलन में, 1930 में दांडी मार्च में, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक हुए, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐतिहासिक ताशकंद समझौता शास्त्री द्वारा ही किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस समझौते के पश्चात ही उनका देहांत हो गया। यानी जो ऐतिहासिक ताशकंद समझौता था वो शास्त्री के द्वारा ही किया गया, लेकिन उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। देश उनकी राष्ट्र भावना तथा उनके राष्ट्र के प्रति प्रेम समर्पण भाव के लिए सदैव ऋणी रहेगा। उनके बताए हुए आदर्शों पर ही चलकर भ्रष्टाचार रहित देश की हमारी कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है। सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा से परिपूरित उनका जीवन चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। लाल बहादुर शास्त्री देश के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देशभक्त के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त हुआ। देश के लिए उनके समर्पण भाव को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। आप लोगों को बताते चलें कि लाल बहादुर शास्त्री के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी हैं, और शेष 2 पुत्र दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। एक जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं।